गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी फर्स्ट से हिंदी लिटरेचर हिंदी मनस्वी से पहले चैप्टर हम सब सुमन एक उपवन के, जिसको द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है, और दूसरा चैप्टर कंप्यूटर, इसका हम संशोधन करेंगे। अब आप सोचेंगे संशोधन क्या है, तो रिवीजन को ही हम हिंदी में संशोधन कहते हैं। तो हमारा सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा तक पूरा हो गया है, तो आज से हम इसका संशोधन करेंगे। जितने भी चैप्टर जितने भी पार्ट आपने पढ़े हैं उसका हम रिवीजन करेंगे, संशोधन करेंगे। तो आइए चैप्टर फर्स्ट, हम सब सुमन एक उपवन के और कंप्यूटर, इन दोनों का संशोधन करते हैं। आपको याद होगा पहले मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था, कैसे एक फूल उपवन, उपवन जो होता है यानी बगीचा, फूल सुमन, सुमन फूल को कहते हैं और उपवन बाग को कहते हैं, सींचना यानी पानी देना कहते हैं, पालना यानी बड़े होना बड़ा करना, गगन का अर्थ होता है आकाश, ऊर्व यानी छाती होता है, और भ्रमर, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, गुंजन यानी भौरे जो बोलते हैं गुनगुनाते हैं उसको हम गुंजन कहते हैं, सूत्र, सूत्र किसको कहते हैं, धागा, धागा को हम सूत्र कहते हैं। उसी तरह सुगंध, सुगंध क्या है, सुगंध खुशबू होता है, अच्छी खुशबू उसको हम सुगंध कहते हैं। और आती है बात श्रृंगार, श्रृंगार यानी सजावट, किसी भी चीज को सजाया जाता है यानी उसका श्रृंगार किया जाता है। आपके चैप्टर में इन सारे शब्दों को पढ़ा जाएगा, जैसे है कि हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सब की, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से ही हम। मतलब हम सब जो हैं एक ही उपवन, एक ही बगीचे के फूल हैं, एक सी हमें धरती मिली हुई है, एक ही माली हमें डेली सींचता है, एक ही सूर्य है जो हमें डेली रोशनी देता है, एक समान रोशनी देता है, एक जैसे हमें धूप भी मिलते हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में हम एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम लोग हम सब जो भी हैं वो सब एक ही पलना, एक ही पलने में डाली पर फूल, डाली पर हम झूलते हैं एक ही पलने में, और एक ही उपवन में हम बड़े हुए हैं। रंग रंग के रूप हमारे, हमारे रूप हैं अलग अलग, अलग अलग के रंग हैं हमारे, आकृतियाँ प्रकार हमारे अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, और अलग अलग हमारी क्यारी भी है, माली ने हमारी क्यारियों को अलग अलग बनाया है, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी, इतना इतनी भिन्नता होने के बावजूद हम सबसे ही, हम सबको मिलाकर ही इस उपवन की शोभा है, एक एक से शोभा नहीं है, हम सबको मिला करके इस उपवन की शोभा है। एक हमारा माली, माली भी हमारा एक ही है, हम सब नीचे रहते एक ही गगन के, हम सब किसके नीचे रहते हैं, तो इस गगन यानी इस आसमान के नीचे हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही गगन के नीचे हमारा निवास स्थान है, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, हमारा जो सूरज है वो भी एक ही है, तो सूरज एक हमारा, जिसकी जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, सूरज जो है वो हमारा एक ही है, और इसकी रोशनी, उस सूरज की जो रोशनी है वो हमारी कलियों पर एक समान पड़ती है, और हमारी कलियां जो है वो फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं सूर्य की किरणों से, तो सूर्य हमारे ऊपर एक समान किरण भी डालता है। एक हमारा चांद, चांदनी, और सूरज की तरह एक ही हमारा चांद है, उसकी चांदनी भी एक ही है, एक ही समान, जिसकी हम सबको नहलाती, और सूरज की ये चंद्रमा की जो चांदनी है, चांद की चांदनी एक समान हमारे ऊपर डालती है,
क्या रोशनी डालती है, रोशनी बरसाती है। मिले एक से स्वर हमको है, एक से स्वर मिले हैं किनको, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। भौंरे जो होते हैं वो फूलों पर मिड़गाते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, तो उनको एक समान ही स्वर मिले हुए हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने, कांटों में ही हम सब खिलते हैं, कांटों में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन उतने सुंदर होने के बावजूद उसमें कांटे भी होते हैं। तो यहाँ माहेश्वरी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है कि कांटों में खिलकर हम सब ने, हमने परेशानियों में ही हम हंस हंस कर जीना सीखते हैं। जैसे फूल कांटों के साथ रहकर हंसते मुस्कुराते हैं, वैसे ही हमें भी परेशानियों में रह के भी, परेशानी अगर हमारे सामने आती है तो उसमें भी रहकर हमें मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। जैसे फूल है, फूल को तोड़कर हम एक धागे में पिरोकर उसको माला बना देते हैं, फूल सारे इकट्ठे होकर एक हार का रूप बन जाते हैं। उसी तरह हम सब भी एकजुट होकर कोई भी काम करेंगे तो वो असंभव नहीं होगा। तो एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, अब देखो सुगंध जो है फूल है, तो फूल सबके लिए एक समान सुगंध फैलाता है। हर श्रृंगार धनी निर्धन के, और हम जो श्रृंगार है फूल कहता है, एक समान हमारी खुशबू सबके लिए है। और हम श्रृंगार किनके हैं, अमीरों के भी हैं और गरीबों के भी हैं। तो हमें भी फूलों की तरह अपने जीवन में ये बात लानी चाहिए कि हमें कांटों के साथ यानी परेशानियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और हमारे अंदर जो अमीरी गरीबी का भेदभाव होता है उसको हमें मिटा देना होना चाहिए। हम सब सुमन एक उपवन के, और इस धरती रूपी उपवन पे एक समान, एक साथ सबको मिलजुल कर एकजुटता के साथ रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका पहला चैप्टर जिसका आपने अभी संशोधन किया यानी रिवीजन किया। अब हम आते हैं दूसरा चैप्टर, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आपको तो बहुत सारी जानकारियां होंगी, इस क्लास में आपने पीछे पढ़ा भी है कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें बहुत सारे कठिन शब्द भी हैं जिनको आपने याद भी किया था, जैसे जटिल, जटिल यानी कठिन होता है। निर्धारित तिथि, इसका मतलब क्या होता है, तो निर्धारित तिथि का मतलब नियत दिन, एक निश्चित दिन। निर्देश का मतलब होता है हिदायत, वैसे ही प्रारूप आ गया, प्रारूप का अर्थ होता है नमूना। संचालन, ये शब्द है संचालन, तो इसका अर्थ होता है चलाने की क्रिया। अगला शब्द आपका आता है धड़ल्ले से, इसका अर्थ होता है तेजी से। निष्प्राण यानी बिना प्राण के, एकत्रित यानी इकट्ठा, और मस्तिष्क, मस्तिष्क का अर्थ क्या होता है, तो मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग। हर आदमी के पास मस्तिष्क होता है। तो आइए, इसमें एक कंप्यूटर जो है वो अपने बारे में बता रहा है। इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में हमें पढ़ना है, तो कंप्यूटर ही अपने बारे में यहाँ बता रहा है। क्या बता रहा है कि मेरा नाम कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है आपको पता है, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ संगणक होता है। कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। तो बात आती है कि यहाँ पे कंप्यूटर महाशय जो है वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम संगणक है यानी कंप्यूटर है। अब तो मैं हर जगह दिखाई देता हूँ, कंप्यूटर क्या है, हर जगह दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो बस स्टॉप पे, पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, बहुत सारी जगहों पे, स्कूल में, यहाँ तक कि हर ऑफिस में, बैंक में, सब जगह कंप्यूटर दिखाई देता है। ये क्या करता है, तो जटिल गुणा भाग, जोड़ घटाव, पलक झपकाते ये कर लेता है। और तो और ये एक संदेश को मिनटों में दूसरी जगह
पहुंचा भी देता है और टिकट काट लेता है। अगर आपको कहीं जाना है, यात्रा करनी है, रेल टिकट, तो वो काट देता है। इसके बहुत सारे अंग होते हैं, कंप्यूटर यानी संगणक के बहुत सारे अंग होते हैं। ये देखने में कैसा होता है, एक बक्से की तरह इसका ढांचा होता है। और ये किससे चलता है, ये बिजली से चलता है। ये ना कुछ कुछ टेलीविजन की तरह दिखता है, उसका एक पार्ट जो है वो एक अंग टेलीविजन की तरह दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर। इसके साथ लगा होता है एक कीबोर्ड, जो भी निर्देश कीबोर्ड पे दिया जाता है उसका परिणाम किस पे दिखाई देता है, मॉनिटर पे दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप प्रिंट भी प्रिंटर जोड़ देंगे और कीबोर्ड पर अंकित करेंगे और मिनटों में कोई भी शब्द जो है जो आप लिखेंगे वो छाप करके बाहर आ जाता है। आप चाहें तो इसकी पूरी किताब एक डिस्क यानी फ्लॉपी सीडी में भरकर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर है, रॉकेट, हवाई जहाज आदि के प्रारूप बनाने जैसे जटिल काम करता है। इसके बिना रॉकेट, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान आदि का संचालन संभव नहीं है। तो कंप्यूटर कितना उपयोगी है हमारे लिए। फैक्ट्री में बनने वाले सामानों की जांच इसी के द्वारा होती है, जल्दी से जल्दी ये प्रमाणित भी करता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है धड़ल्ले यानी तेजी से हो रहा है। आजकल इसको इंटरनेट से जोड़ देते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। इससे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी चंद पलों में प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी जानकारी, जैसे मौसम की सूचनाएं, बैंकिंग या मार्केटिंग का हाल क्या है, रेलवे या हवाई यात्री के टिकटों या सिनेमा हॉल के टिकट आप बुक कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे खेल की ताज़ा जानकारी जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। सच तो यह है कंप्यूटर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने मित्र को हम संदेश भेज सकते हैं, अपने जरूरी कागजात भेज सकते हैं, उसका उत्तर जान सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। और तो और उपग्रह से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारी, मौसम का हालचाल, कल का मौसम क्या होगा, कैसे होगा, आने वाले दिनों में कैसी स्थिति होगी, ये सारी सूचनाएं देश के किसानों की खेती में बहुत मददगार साबित होते हैं। जो समुद्र में नाव या बड़े बड़े पोत चलाते हैं उनके लिए, नाविकों के लिए बहुत मदद मिलती है इससे। टेलीविज़न पर जो कार्टून फिल्में हम देखते हैं वो कैसे बनती है आपको नहीं पता होगा, तो इसके माध्यम से एक मिनट की कार्टून फिल्म बनाने में लगभग 1400 चित्र की जरूरत पड़ती है। 2 घंटे की फिल्म बनाने में कितने चित्र की जरूरत पड़ेगी, समझिए कितना मुश्किल काम है। पर यह सब कुछ घंटों में कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है। एक बात और, मनुष्य के बिना मेरा जीवन यानी कंप्यूटर का जीवन निष्प्राण है। मनुष्य है तो कंप्यूटर है, नहीं है तो नहीं है। इसको मनुष्य ही इसके द्वारा एकत्रित आंकड़ों और आदेशों के अनुसार ये कार्य करता है, मनुष्य चलाता है तभी ये कार्य कर सकता है। आपका मस्तिष्क ईश्वर का बनाया एक सुपर कंप्यूटर है, यानी इंसान का मस्तिष्क जो है भगवान द्वारा बनाया हुआ एक सुपर कंप्यूटर है, उसका मुकाबला भला कौन कर सकता है। कंप्यूटर की मदद से मशीनी मानव अर्थात रोबोट को तो सुना होगा, रोबोट भी चलाए जाते हैं। किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। उनसे कठिन से कठिन काम कराए जाते हैं, पर सोचना तथा विचार करना उसे नहीं सिखाया जा सकता। काम हम करवा सकते हैं पर उसके अंदर सोच की क्षमता, विचार करने की क्षमता हम नहीं डाल सकते हैं। कंप्यूटर जो है आज की दुनिया में अलादीन के चिराग जैसा है। जैसा कंप्यूटर को हम जैसा निर्देश देंगे, कंप्यूटर क्या हुक्म है मेरे आका कहकर हमारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था आपका संशोधन यानी रिवीजन चैप्टर नंबर 1।
एंड चैप्टर नंबर टू आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले पिछले क्लासों में, हम सब सुमन एक उपवन के द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखा हुआ था। आपने इसको याद भी किया है, सुनाया भी है, इसके प्रश्न उत्तर भी किए हैं और कंप्यूटर इसको भी आपने पढ़ा था। आज फिर से हमने इसका रिवीजन कर लिया, आप इसको अच्छे से वॉच करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछेंगे, इसका टेस्ट लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड का रिवीजन यानी संशोधन। नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।